बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सैम्स किचन एंड लाइफस्टाइल। ये जो यमी यमी और डिलीशियस आप जूस देख रहे हैं ना, ये आज मैं आपको कीवी के जूस की रेसिपी दूंगी। कीवी पाकिस्तान का फल नहीं है, ना ये पाकिस्तान में पाया जाता है। ये ज़्यादातर जो चीन और इटली और फ्रांस वगैरह है ना, वहाँ से हम बरामद करते हैं। बड़ा डिफरेंट सा फ्रूट है ये, और इसका टेस्ट भी डिफरेंट सा होता है। उस तरह खाएँ तो ये काफ़ी खट्टा होता है, विटामिन सी से भरपूर है, प्रेगनेंट जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो बेहद ज़बरदस्त है। लेकिन अगर हम इसे जूस की शक्ल में यूज़ करें ना, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें थोड़ा पिंक सॉल्ट, लेमन और चीनी, ये तीन इसके इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसका जूस बनाएंगे। और आज का इसका ये जूस जो है ना, वो मैं तो बस इंस्ट्रक्शंस दूँगी और मेरी बेटी इसको बनाएगी। जी हाँ, बेटियों को भी तो बनाना सिखाना है ना, तो इसलिए आज मैं पास खड़ी होकर बस उसे इंस्ट्रक्शन दूँगी और वो जनाब इसे बनाएगी। सबसे पहले वो इसके छिलके उतार रही है, और छिलके उतारने के स्टाइल से तो ऐसे लग रहा है जैसे ये बड़ी जनाब एक्सपर्ट हो गई है कुकिंग में। तो बहरहाल मेरी हेल्प तो काफ़ी करती है, लेकिन इतनी एक्सपर्ट नहीं है अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको सब कुछ सिखा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि कीवी की, कीवी का अगर हम रेगुलर जूस पिए ना, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। सांस की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल मुफीद है। जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए भी कीवी का जूस बेहद ज़बरदस्त चीज़ है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें विटामिन सी भी है, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। और चीनी मैंने इसमें इसलिए थोड़ी सी ऐड की है ताकि ज़रा इसका खट्टापन जो है ना, वो कम हो जाए। और अगर आप नहीं चीनी ऐड करना चाहते, तो आप इसको एज इट भी इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। क्योंकि अब जनाब उसकी कटिंग देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज से उसने इसके स्लाइसेस बनाए हैं। और इसको डाल दिया है जग में, और इसके बाद इसमें चीनी और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो भी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। अब एक लेमन बेचारे में कितना जूस होता है, जस्ट एक चम्मच जूस, तो बस इसमें एक लेमन भी ऐड कर लेंगे। लेमन में चूँकि ऑलरेडी विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, और इस फल में भी विटामिन सी है, तो सोचें कि ये कितना मुफीद और फ़ायदेमंद जूस है जिसकी मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ। आजकल ये फल मार्केट में आम अवेलेबल है, घर लाएं, इसका जूस बनाएं और इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। दो मीडियम साइज़ के पानी के ग्लास इसमें ऐड कर दिए हैं, और बस बटन किया ऑन, और हमारा जूस जो है ना, वो रेडी हो जाएगा। और इतना क्विक तैयार, और इसमें जो एक ग्लास है ना, वो समझें ग़िज़ाइयत से भरपूर ग्लास है। हमारे दो ग्लास बन गए, और ये हमने जनाब इनको पीने के लिए बिल्कुल तैयार। जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, शेयर और लाइक भी किया करें, और इतने मज़े मज़े के मैं आपको रेसिपीज़ देती हूँ, जैसे कि आज मैंने मज़े का कीवी का जूस बनाया है, तो इसलिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। ये इसकी फ़ाइनल लुक, और अब मैं करूँगी जूस को इंजॉय, और आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।